आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आखिरकार क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे हम पैसे को बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक फॉलो करना, वीडियो को आप बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको कैसे पैसे को बनाना है, कैसे आप जो है क्रिप्टो के अंदर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है पूरा का पूरा अभी क्रैश पड़ा हुआ है, और हम इसे यदि 2021 से कंपेयर करें 2023 के मार्केट को, तो ज़मीन और आसमान का इसमें दोस्तों आप सबको फर्क दिखाई देगा। अब ऐसे में सवाल आता है कि जिन लोगों ने क्रिप्टो एसेट को होल्ड करके यहाँ पर रखा है, उनका कहीं ना कहीं अभी जो पैसा है वो लॉस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उस एसेट को होल्ड करके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि अभी हम उस एसेट को यहाँ पर सेल करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस में चला जाएगा, तो हम उसे अभी यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। उसको तो होल्ड करके हमें रखना पड़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा वो तब देखा जाएगा। लेकिन आज हम करंट में बात करें तो आज करंट के हिसाब से हमें किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे बनाना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आज हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पर कैसे आपको प्रॉफिट लेना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मायने रखता है क्रिप्टो करेंसी का चार्ट, यानी दोस्तों उसका इंडिकेटर कहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इन दोनों चीज़ों को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों इंडिकेटरों को यदि हमने यहाँ पर समझ लिया, सीख लिया, तो हम यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए अपने पैसे को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आज हम आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर है और जो चार्ट पैटर्न है और जो चार्ट की जो कैंडल है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और चार्ट का जो समय पीरियड है, यानी दोस्तों जो टाइम पीरियड है, वो हमारे इस ट्रेडिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस टाइम पीरियड को हमें समझना है कि किस टाइम पर मार्केट कितना नीचे गया है। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज हम यहाँ पर अपनी खुद की बात करेंगे कि आज हमने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना प्रॉफिट यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, हम ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए कितना ईजी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना, उतना मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत गहराई से समझाने का। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमने आज यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है एक्रो। एक्रो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैंने यहाँ पर दो ट्रेड यहाँ पर ली है और दोनों ट्रेड के अंदर मैंने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कब यहाँ पर बाय किया और कब सेल किया, ये आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आज मैंने यहाँ पर जो बाय किया था वो मैंने यहाँ पर बाय किया था। यहाँ पर आप ये ग्रीन वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये अच्छी खासी आज मार्केट के अंदर परफॉर्म किया इसने और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें निकाल के दिया है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर मार्केट फिर नीचे आया और फिर ये दोबारा ऊपर गया, तब मैंने यहाँ पर दो बार अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा था तो वो ये टाइम पीरियड है। यहाँ पर आपको विशेष टाइम का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट अभी नीचे आ रहा है, यानी मैंने जो 15 मिनट का ये चार्ट लिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम एक मिनट का चार्ट लेते हैं, तो एक मिनट के चार्ट में आप देखिए कि मार्केट किस हिसाब से ये यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पर किसी कारणवश लॉस में आते हैं तब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है वन डे के ग्राफ से। तो वन डे का ग्राफ यदि आप देखेंगे तो मार्केट जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड का विशेष ध्यान रखना है, आपको सारे टाइम पीरियड को यहाँ पर एनालाइज करना है, यानी आपको 1 सेकंड का भी चार्ट एनालाइज करना है, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, सारे टाइम पीरियड को आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। उसके बाद आपको वन डे के ग्राफ से इसे कंपेयर करना है कि आखिर वन डे का ग्राफ क्या यहाँ पर बोल रहा है। तो वन डे का ग्राफ जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वन डे के ग्राफ में मार्केट में कंटिन्यू जो है बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालाँकि आप एक्रो कॉइन के अंदर दिन में 1 से 2 ट्रेड लेके आप अच्छा खासा इस क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बात को भली भांति समझ चुके होंगे और ट्रेडिंग करने से पहले आपको यहां पर सारी चीज़ों को लर्निंग आपको यहां पर करना पड़ेगी। बगैर दोस्तों लर्निंग के अर्निंग आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप इसकी लर्निंग कीजिए, उसके बाद आप इसकी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे अगली क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और उसमें हमने कितना प्रॉफिट लिया है या कितना लॉस लिया है वो सारी बातें हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।